जैसा कि ये सवाल है कि बच्चा जैसे हम ये निफास का खून रहता है 40 दिन तक का रहता है, लेकिन अगर और पहले से ही पाक होना चाहे, नहीं आया ब्लड, तो पाक होके नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इन केस अगर ऐसा हुआ कि 40 दिन होने के बाद भी आ रहा है, 42 दिन हो गया, तो क्या वो रोजा रख सकते हैं रमजान में या नहीं रख सकते फिर? निफास की सबसे तवील मुदत 40 दिन है। अगर 40 दिन क्रॉस कर गया और आपको खून आ रहा है, तो 40वें दिन आप पे हैज से जिस तरीके से गुस्ल करती हैं, ऐसे ही निफास से फरावत का आप गुस्ल करेंगी और उसके बाद रोज़ा और नमाज को कंटिन्यू करेंगी। आगे का जो खून होगा उसे इस्तिहाजा का खून माना जाएगा। जब भी आपको नमाज पढ़ना होगा उस वक्त आपको खून साफ करना होगा। अगर कहीं पे लगा हुआ है तो वहां पे पाकी करनी होगी। कपड़े में अगर लगा है तो कपड़े के उस हिस्से को धुलना होगा और वजू करके फिर नमाज आपको पढ़नी होगी।